नमस्कार, आप देख रहे हैं देश अरेना टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार को बांग्लादेश के रास्ते असम में अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए जिस आईएसआईएस इंडिया के मुखिया हारिश अजमल फारूकी को और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया था, अब ये बताया जा रहा है कि उस सहयोगी रेहान उर्फ अनुराग सिंह का हरियाणा से वास्ता है, हरियाणा से कनेक्शन है और हरियाणा के पानीपत जिले से उसका यानी रेहान उर्फ अनुराग सिंह का कनेक्शन बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि रेहान हरियाणा के पानीपत जिले के दीवाना गांव का रहने वाला है, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार को बांग्लादेश के रास्ते असम में अवैध रूप से घुसपैठ करते हुए आईएसआईएस इंडिया के मुखिया हारिश अजमल फारूकी और उसके सहयोगी रेहान उर्फ अनुराग सिंह को गिरफ्तार किया था। और अब शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो ये कि रेहान उर्फ अनुराग सिंह का हरियाणा कनेक्शन सामने आ रहा है और हरियाणा के पानीपत जिले के दीवाना गांव का ये यानी रेहान उर्फ अनुराग सिंह रहने वाला बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अनुराग सिंह ने बाद में अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था और उसकी वजह से वो रेहान बन गया, यानी अनुराग सिंह से रेहान वो बन गया। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हारिश अजमल फारूकी जो है वो उत्तराखंड का बताया जा रहा है, उत्तराखंड में देहरादून में उसका परिवार जो है वो रहता है और देहरादून में ही वो रहता था। लेकिन ये बात अलग है कि वो पिछले 12 से 13 सालों से देहरादून नहीं आया है, ना ही उसका अपने परिवार वालों से कोई कनेक्शन है। तो ये बात सामने आ रही है और हरियाणा के लिहाज से ये बड़ी खबर कि एक आतंकी जिसका कनेक्शन जो है वो हरियाणा के पानीपत जिले से सामने आ रहा है, अनुराग सिंह जो अब रेहान बन चुका है, ये उसकी बात हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि रेहान भारतीय रेलवे में एक बड़ी पोस्ट पर तैनात है। गांव के लोगों को पता नहीं है कि अनुराग सिंह ने कब धर्म बदल कर अपना नाम रेहान रख लिया। ये गांव वाले जो हैं इस बात से बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन अनुराग सिंह अब रेहान बन चुका है। बात अनुराग सिंह के परिवार की करें तो परिवार खेतीबाड़ी करता था और आज भी दीवाना गांव में उनकी जमीन है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना मकान तो बेच दिया, लेकिन गांव में कुछ प्लॉट भी हैं जिन्हें देखने के लिए अक्सर रेहान उर्फ अनुराग सिंह और उनकी माँ गाँव में आते जाते रहते हैं। गाँव वालों ने ये भी बताया कि रेहान उर्फ अनुराग सिंह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन गांव में उनका आना जाना था। अनुराग सिंह के बारे में और ज्यादा अगर जानकारी आपको दें तो ये बताया जा रहा है कि ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, उसने कोटा से आईआईटी में कोचिंग भी ली थी। अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोटा में कोचिंग के दौरान ही उसने आतंकवादी संगठनों से संपर्क किया, या फिर आप ये कहें कि अनुराग सिंह आतंकवादी संगठनों के संपर्क में कोटा में कोचिंग के दौरान ही आया और यहीं उसने अपना धर्म बदल लिया। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा के लिहाज से बड़ी खबर, पानीपत के लिहाज से बड़ी खबर कि एक आतंकवादी का कनेक्शन जो है वो पानीपत से सामने आया है। ये शुरुआती जानकारी है। अब इसमें और आगे क्या क्या निकलकर सामने आता है पूछताछ में, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ करेंगी, उसमें फिर सारा खुलासा होगा कि आखिरकार अनुराग सिंह कैसे रेहान बना और कैसे वो इस आतंकी संगठन के संपर्क में आया। तो ये सारी जो जानकारी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे निकल कर आएगी जब सुरक्षा एजेंसियों का डंडा चलेगा और तब फिर ये आतंकी अपना मुंह खोलना जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआती खबर ये कि दो आतंकी आईएसआईएस इंडिया का प्रमुख जो उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला है और उसका सहयोगी रेहान जो कि पहले अनुराग सिंह था और बाद में उसने धर्म अपना बदल लिया तो रेहान बन गया, रेहान का कनेक्शन पानीपत से है, हरियाणा से है। आपका इस खबर पर क्या कहना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं अपनी राय जरूर दीजिए ताकि हमें ये पता लगे कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपका इस मुद्दे पर क्या पक्ष है।